हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके फ्रेंड्स सर्किल बेस्ड ऑफिसर मीन्स SBI CBO पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आप 22 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में आप जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में Jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 5,280 पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करेंगे यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको यहां पर डिटेल्स को चेक कर लेना है। आपको यहां पर देखिए जो वैकेंसीज है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज आप यहां चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहां पर दी गई हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद मिडिल या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। पूरा नाम आपको यहां पर देखिए देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको दो बार एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको दो बार एंटर करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मेल आईडी है उसका फर्स्ट पार्ट और यहां से डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे, और फुल मेल आईडी आपको यहां पर कंफर्म में एंटर करनी होगी। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, और ये करने के बाद आप डाटा को सेव एंड नेस्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दी जाएंगी। अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो इसके लिए देखिए आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। तो फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज जो है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स, मैंने सैंपल के तौर पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। अब आपको यहां से सिर्फ ओनली इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल सेक्शन, ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले सर्किल है, तो आप यहां पर देखिए सर्किल पर क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी सर्किल से आप आवेदन करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहां की लोकल लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है 10th एंड 12th में अगर आपने एज ए सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आप यस कर सकते हैं। नहीं पढ़ी है मान लीजिए उस सर्किल की लोकल लैंग्वेज, तो आप नो भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको फ्रेंड्स लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना होगा, और आपने पढ़ी है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबका क्या है मतलब आपकी जाति क्या है वो आपको देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां पर जो है टिक करना होगा कि आप कंफर्म करते हैं कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो गिवन टाइम के अंतर्गत है। PH कैटेगरी आपकी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, ये जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्किंग करते हैं किसी भी सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। SBI में क्लर्कल सुपरवाइजर कैडर में एम्प्लॉई हैं आप, तो यस या नो कर सकते हैं। अर्लियर एम्प्लॉय थे SBI में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। अर्लियर एम्प्लॉय थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपने रिजाइन कर दिया है एज क्लर्कल कैडर, तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी कैरेक्टर से रिलेटेड या मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड कोई भी आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट हुई है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स लोन या क्रेडिट से अगर आपका फ्रेंड्स कोई ड्यू है, कोई डिफॉल्ट है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन रहेंगे आपका, इनमें से जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसमें आप यस करेंगे, बाकी ऑप्शन में आप नो कर देंगे। इसके बाद अपना एग्जाम सेंटर आप कहां लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम आपको लेना होगा, यहां पर इस ऑप्शन को टिक करना है, और कोई भी आईडी प्रूफ आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आईडी सेलेक्ट करते हैं उस आईडी का नंबर आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद है DOB सेक्शन मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जेंडर सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस कर सकते हैं और उनका जेंडर और नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे।
मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद आपको आपकी कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फादर नेम। तो फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ एंटर करना है। ऐसे ही मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपको एंटर करना होगा। अगर आपका स्पाउस नेम का ऑप्शन वैलिड है, मतलब पति या पत्नी का नाम है, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको देना है, जो कि आपका प्रेजेंट का एड्रेस होता है, जहां से आप पत्राचार करना चाहते हैं, तो पूरा एड्रेस आप यहां पर मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यहां पर डाटा एंटर कर रहा हूं, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको देना है, आपका स्टेट देना है, आपका पिन कोड क्या है वो आपको देना होगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस, नीचे है परमानेंट। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपकी क्योंकि रिजर्व कैंडिडेट जो है एससी एसटी के, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट को फीस देनी होती है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी फीस लगती है तो आपको वो शो करेगी, फीस नहीं लगती है तो डायरेक्टली आप वैलिडेट करें। वैलिडेट का फायदा यह है कि कोई भी ऑप्शन ब्लैंक आपका नहीं है, तो आपको सेव एंड नेस्ट यहां से कर देना होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन जो है वो 31 अक्टूबर को काउंट होगी। डिग्री पर जाइए, इनमें से कौन सी डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम आप दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, आपने इसको कब पास किया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लास ऑफ ग्रेड आपकी सेलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, पीजी डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 31 अक्टूबर 2023 तक कम से कम 2 साल का होना चाहिए, जिसमें आपने एज ए ऑफिसर इन कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में, जो कि फ्रेंड सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई आती है, तो आपने यहां पर काम किया होना जरूरी है, आप यस करेंगे। अब यहां पर आपको अपने एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, तो अपने एम्प्लॉयर मतलब आपके यहां पर जो भी बैंक है उसका नाम, आप किस पोस्ट पर काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, मतलब आप क्या काम करते थे, और अगर आपने उस काम को छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ा है, वो जानकारी आपको देनी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेजेंटली वर्किंग का, अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है वहाँ पर तो यस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक 31 अक्टूबर को काउंट हो जाएगा। पर मान लीजिए आपने मल्टीपल बैंक में काम किया है तो आप यहाँ पर देखिए नो कर सकते हैं कि प्रेजेंटली आप वर्किंग यहाँ पर नहीं है, और आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वहाँ से जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रेजेंटली वर्किंग नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे, और अगर आप फ्रेंड्स प्रेजेंट में भी वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर इस जानकारी दे सकते हैं, और प्रीवियस कंपनी की जानकारी आप ऐड मोर करते हुए यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और वर्किंग आप यहाँ प्रेजेंट में है या नहीं है, बस वही जानकारी आपको देनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद ये एंट्री करने के बाद अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, स्टेट या यूटी सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद सेंटर आप चूज करेंगे कहां पर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। लैंग्वेज नोन में फ्रेंड जो भी सब्जेक्ट आपकी लैंग्वेज आती है वो रीड राइट स्पीक आपको आनी चाहिए, और इसके बाद चाहे तो आप मल्टीपल लैंग्वेज भी एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद यहां से इसे वैलिडेट आप कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन, प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें, कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और यहां से कंप्लीट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। बस ये ध्यान रखिएगा, यहां से कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रीव्यू को ध्यान से चेक करना जरूरी है। इसके बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सबसे पहले है आईडी प्रूफ। तो जो भी आपने स्टार्टिंग में आधार कार्ड दिया है या पैन कार्ड दिया है, जो भी आईडी दी है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए जो भी एग्जिटिंग या जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनका जो जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड है वो आपको यहां पर देना है। आपका रिज्यूम आपको यहां पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपॉइंट लेटर या जॉब ऑफर लेटर आपको यहां पर अपलोड करना है, और आपकी जो फॉर्म 16 है या सैलरी स्लिप है वो आपको यहां पर अपलोड करनी है। तो आप वर्किंग में है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर होने चाहिए, जो कि आप यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने फॉर्म को आप वहां पर सबमिट कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली यहां पर सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद आपको यहां पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहां पर पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट अपना कर पाएंगे, और पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली अपना प्रिंट एप्लीकेशन निकालकर अपने पास आप रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के CBO का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।